SSI, MI6, CIA जैसी कई खुफिया एजेंसियों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है आपको अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों के बारे में भी पता हो, लेकिन क्या आपने चीन की खुफिया एजेंसी के बारे में कभी सुना है? कई देश अपनी खुफिया एजेंसी के बारे में जिक्र कर लेते हैं, लेकिन चीन में सरकार अपनी खुफिया एजेंसी के बारे में जिक्र करते हुए कभी नजर नहीं आती। अपने देश के लिए चीन की खुफिया एजेंसी कई कार्य करती है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर चीन की खुफिया एजेंसी क्या है और वो कैसे काम करती है। बात करें चीन की खुफिया एजेंसी की, तो हर देश की तरह चीन का भी खुफिया विभाग है। चीन के सुरक्षा विभाग को राज्य सुरक्षा मंत्रालय यानी MSS कहा जाता है। ये विभाग साल 1983 में स्थापित किया गया था। विभाग काउंटर इंटेलिजेंस, विदेशी इंटेलिजेंस के साथ साथ घरेलू और विदेशी धरती पर खुफिया तंत्र द्वारा जानकारी जुटाने, निगरानी रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। MSS चीन के लिए CIA और FBI दोनों ही एजेंसियों के काम करती है। MSS चीन के कैबिनेट के तहत अन्य मंत्रालयों की तरह काम करता है। बता दें कि इस एजेंसी के पास पूरे चीन में प्रांतीय और नगरपालिका शाखाओं का विशाल नेटवर्क है। बात करें MSS की शक्तियों की, तो चीन की खुफिया एजेंसी के पास ऐसी कई शक्तियां हैं जिसके तहत वो देश और विदेश दोनों में काम कर सकती है। बता दें साल 2017 में लागू किए गए राष्ट्रीय खुफिया कानून के तहत MSS के पास अन्य खुफिया तंत्रों के साथ साथ देश और विदेश दोनों जगह पर जासूसी गतिविधियां संचालन करने की अनुमति है। इसके अलावा MSS के पास किसी भी विदेशी या घरेलू व्यक्ति या संस्थानों पर निगरानी और जांच करने की व्यापक शक्तियां हैं। MSS किसी भी व्यक्ति या संस्थान को खुफिया गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी आदेश दे सकती है। साथ ही MSS किसी भी ऐसे व्यक्ति को 15 दिनों तक प्रशासनिक हिरासत में ले सकती है जो किसी भी प्रकार से खुफिया तंत्र के काम या जानकारी को बाधित करने की कोशिश करता है। साथ ही चीन के आपराधिक प्रक्रिया कानून के अंतर्गत MSS और नियमित पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए लोगों को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए एक जैसे ही अधिकार हैं। हर देश की खुफिया एजेंसी उसकी सुरक्षा के लिए काम करती है। चीन की भी खुफिया एजेंसी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।